ये वर्कबुक में भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाउचर। वाउचर क्या है, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। वाउचर क्या है, देखो वाउचर क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यानी कि इस बात का सबूत है, एक प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हुई है। चलो मैं एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करता हूँ आपके साथ यहाँ पे। जब भी हम मार्केट जाते हैं कोई शॉपिंग करने, तो जब भी आप बिल पे करते हो, बिल पे करने से पहले आप सेलर को ये कहते हो कि भाई बिल दो। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो आप वेटर को खाना फिनिश करने के बाद वेटर को बोलते हो, जाओ वेटर बिल ले आओ। ये ऐसे ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। कहने का मतलब ये था कि पेमेंट करने से पहले आप बिल मंगाते हो, उस बिल को चेक करते हो कि वाकई इतनी पेमेंट बनती है या नहीं बनती है। तो वाउचर क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, कि यस ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं हुई है, इस बात का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वाउचर। इसके एग्जांपल क्या हैं, एग्जांपल हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कैश मीमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, पे इन स्लिप, चेक्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। हम इन सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये क्या होते हैं, पहले तो आप यही समझ लो कि सर वाउचर क्या है। वाउचर एक, मैंने कहा ना कि एक सबूत है, एक एविडेंस है, वो इस बात का सबूत है कि भाई ट्रांजैक्शन हुई है। जब भी आप कोई बिल पे करते हो, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने खाना फिनिश करने के बाद वेटर से कहा वेटर जाओ बिल ले आओ, वेटर फिर बिल लेके आता है। हम में से कई लोग उस पूरे बिल को पढ़ते भी हैं कि भाई जो हमने मंगाया है वो वाकई वही लगाया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने मंगाया कुछ और बिल किसी और का ऐड कर दिया उसने, तो हम उस बिल को क्रॉस चेक भी करते हैं। सेम ऐसे ही जब कभी हम शॉपिंग करने गए हों, तो देखा होगा आप जब शॉपिंग करते हो, तो जो आपके पास जब आप बिल कैश काउंटर पर जाते हो, बिल पे करते हो, तो उससे पहले वो आपको बिल देते हैं, पहले वो बिल प्रेजेंट करते हैं, वो आपको बिल देते हैं और आपको बताते हैं भाई इतना टोटल हो गया। तो हम उस बिल को पढ़ते हैं कि भाई जो हमने परचेज़ किया है, क्या हम उसी का बिल पे कर रहे हैं, क्या हमसे उसी के बिल डिमांड किया जा रहा है। तो वो जो बिल आप पे करते हो, आपने पैसे दिए तो आपको सामान मिलता है और साथ में वो बिल मिलता है, बिल की पेमेंट तो आपने कर दी, तो बिल की एक कॉपी आपको मिलती है। वो कॉपी जो है ना, वो वाउचर है, वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके लिए। अब बेटे हर केसेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएंगे। अगर हम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ और आएगा, क्रेडिट में कुछ और आएगा, गुड्स वापस करेंगे तो कुछ और होगा। यानी कि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी पॉइंट्स को। तो पहले तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे वाउचर क्या होता है। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है, सबूत है कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन हुई है। सच एविडेंसेस आर सोर्स डॉक्यूमेंट, इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट, कुछ को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, देखो आगे जाके हम वाउचर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक सोर्स डॉक्यूमेंट और एक अकाउंटिंग वाउचर्स। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं बेटे, ये आपको मिलते हैं या आप इन्हें प्रेजेंट आप बना के देते हो। ये सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन करते वक्त अराइज होते हैं, और अगर जो आपने ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड किए हैं, एक बात और बता दूं, जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो बुक्स में, एक टाइम के बाद जाके उनकी किसी एक्सपर्ट से हम चेकिंग करवाते हैं, उसे बोलते हैं ऑडिटिंग करवाना। तो वो जो ऑडिटर है ना बेटे, जब वो आपके अकाउंट को चेक करेगा, जब उनको ऑडिट करेगा, तो उससे पहले वो हर ट्रांजैक्शन का आपसे बिल मांगेगा, आपसे वाउचर मांगेगा, आपसे उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस मांगेगा कि भाई अगर ये ट्रांजैक्शन हुई है तो लाओ हमें इसका एविडेंस दिखाओ। तो इतनी इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक मैं कहूँ रुपिका बेटे, अगर मैं एक बात बोल दूँ कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है ना, उन सभी ट्रांजैक्शंस के हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, मतलब कोई बिल हो, कोई रसीद हो, वो नहीं है, तो ऑडिटर उस ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा और वो आपसे कहेगा भाई ये जब तक मैं इसको वेरीफाई नहीं करूँगा, जब तक आप मुझे इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं देंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंस है बच्चों। तो अब इसके एग्जांपल क्या बताए मैंने आपको, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या एग्जांपल आएंगे, कैश मीमो आएगा, इनवॉइस आएगा, बिल आएगा, रिसिप्ट आएगा, ये सब आएगा, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये वाउचर्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ भाई रुपी का एक एग्जांपल है, मैंने कहा भाई राघव आपने मुझे यार फीस नहीं पे करी है, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर हमने तो पे करी है। तो मैं क्या कहूँगा, बेटे लाओ सबूत दो, लाओ दिखाओ। तो आप लोग मुझे क्या करते हो, वो जो आपने ऑनलाइन मुझे फ़ीस ट्रांसफ़र की थी, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हो, आप मुझे जो हमने रसीद दी है उस रसीद की मुझे आप कॉपी दे देते हो बेटे। तो ये क्या, ये भी तो उसी एग्जांपल है सोर्स डॉक्यूमेंट का।
तो देखो ना, मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे फ़ीस नहीं दी, तो आपने क्या किया, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया फ़ीस डिपॉजिट का, रसीद का, या जो आपको रसीद दी थी, रिसिप्ट दी थी मैंने, उसकी आपने फ़ोटो खींच के भेज दी मुझे। तो देखो, उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस था। अगर आप मुझे वो प्रेजेंट नहीं करते और आप मुझे बोलते हो सर हमने तो आपकी फ़ीस पे कर दी है, और मैं कहता हूँ बेटा लाओ मुझे प्रूफ दो, एविडेंस दो, और अगर आप मुझे एविडेंस नहीं दे पाते हो तो बेटा फिर मैं आपसे दोबारा पैसे ले लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है। इसका मतलब ये था बेटे कि डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अकाउंटिंग बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम साल के लास्ट में अपनी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे, तो हमसे अकाउंटेंट या ऑडिटर वन बाय वन सारे बिल, सारे रिसिप्ट, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट वो हमसे डिमांड करेगा एज पर ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का एक अलग उसके पास वाउचर या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का, पहले यहाँ तक बताओ बेटे फिर आगे बढ़ते हैं। यस बेटे बोलो। भव्या आप बताओ, कोई डाउट है भाई आपको? बिना नाम के तो बोलते ही नहीं है बच्चे कि हाँ सर हमें कोई डाउट नहीं। मुझे एक एक को नाम लेके पूछना पड़ता है भाई, कोई डाउट तो नहीं है बेटे? बता दिया करो, कोई डाउट है तो बोल दिया करो, ठीक है? नहीं है मतलब तो चुप रहे हुए हैं। अगला पॉइंट बेटे फिर हमारे पास जो आता है वो आता है कैश मीमो का। पहला पॉइंट है कैश मीमो। कैश मीमो क्या होता है? देखो आपको वन बाय वन समझना है। आपको इनके ऊपर किसी पे भी बेटे कोई शॉर्ट नोट आपको आ जाएगा, कोई भी शॉर्ट नोट। जैसे कैश मीमो पे आता था, व्हाट इज़ कैश मीमो, व्हाट डू यू मीन बाय कैश मीमो? तो बेटे कैश मीमो यूज्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। व्हेन ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मीमो, एंड व्हेन ही परचेज फॉर कैश देन ही रिसीव अ कैश मीमो। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मीमोज। भाई ये कैश मीमो क्या होता है बेटे? जब हम कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, देखो बेटे अगर हम शॉपकीपर हैं तो बेटे कैश मीमो मैंने बताया कि अगर आप एक सेलर हैं, मतलब आप एक शॉपकीपर हैं और आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किसको? कस्टमर्स को। हाँ बेटे, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि अगर हम एक शॉपकीपर हैं और हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किसको? कस्टमर्स को। लेकिन बेटे हमने भी तो कहीं से गुड्स परचेज़ की होंगी, हमने भी तो कहीं ना कहीं से बेटे गुड्स परचेज़ की होंगी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर देखो एवरी बिजनेसमैन या तो वो कैश ट्रांजेक्शन कैश सेल करेगा या वो क्रेडिट सेल करेगा, या तो वो कैश सेल करेगा या वो क्रेडिट सेल करेगा। अगर वो कैश सेल कर रहा है, लेट्स सी अगर मैं शॉपकीपर हूँ, आई एम अ सेलर, और मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ, अगर मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ कैश में, आई एम अ शॉपकीपर, आप मेरे कस्टमर हो, मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं आपको कैश में, तो जब मैं गुड्स सोल्ड करूँगा तो मैं गुड्स के साथ आपको जो एक बिल दूंगा दैट इज कॉल्ड कैश मीमो। यानी सेलर जब अपने कस्टमर को गुड्स जब सोल्ड करेगा और गुड्स के साथ जब वो एक कोई पेपर या कोई बिल टाइप का देगा, उसे बोलते हैं कैश मेमो। मीन्स कैश मेमो यूज फॉर कैश सेल्स। जब मैं आपको गुड्स सोल्ड करूंगा तो गुड्स के साथ मैं आपको कैश मेमो दूंगा। अब देखो मैंने भी तो गुड्स परचेज किए हैं, अब वही गुड्स मैंने किससे परचेज किए? होलसेलर से बेटे। आप तो कस्टमर हैं, मैं रिटेलर था और मैंने गुड्स परचेज की होलसेलर से। तो जिस होलसेलर से मैंने गुड्स परचेज किए हैं उससे जब मैंने गुड्स परचेज की थी तो मुझे उसने भी क्या दिया होगा? कैश मेमो। मुझे उसने कैश मीमो दिया जब मैंने उससे गुड्स परचेज की कैश में, यानी जब उसने मुझे गुड्स सोल्ड की, और जब वही गुड्स मैंने आपको सोल्ड की तो मैं आपको कैश मीमो दूंगा। इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि जो गुड्स सोल्ड करेगा वो अपने कस्टमर को गुड्स के साथ कैश मीमो देगा। क्लियर बेटे पॉइंट? कैश मीमो देगा। अगर आप परचेज कर रहे हो गुड कैश में तो आपको कैश मीमो रिसीव होगा। अगर आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो कैश में तो आप कैश मीमो इशू करोगे। ये दो बातें अलग अलग हैं बेटे। कैश मीमो हम इशू कब करते हैं? व्हेन वी सोल्ड गुड्स, व्हेन वी सेल गुड्स फॉर कैश। देखो आपको ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हेन वी रिसीव्ड कैश मीमो, तो आप कहेंगे आंसर व्हेन वी गुड्स परचेज फॉर कैश। व्हेन वी इशू कैश मीमो, व्हेन वी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट। फर्स्ट इज आपको कैश मीमो रिसीव कब होगा? जब आप गुड्स कैश में परचेज करोगे। आप कैश मीमो किसी को कब दोगे, कब आप इशू करोगे? जब आप गुड्स सेल करोगे। तो ये ध्यान रखना, कैश मीमो इशू करना मतलब है कैश सेल्स, कैश मीमो रिसीव करना मतलब कि आपने गुड्स कैश में परचेज करी है, मतलब किसी और ने आपको सेल करी है, मतलब आपने परचेज करी है। तो ये है कैश मीमो। एक बार आई रिपीट अगेन, कैश मीमो यूज्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। व्हेन ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मीमो,
एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश देन ही रिसीव्ड अ कैश मेमो. कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोज. कि बुक्स के अंदर जो भी हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश मेमो. तो अभी तक आपके सर ने आपको दो बातें बताई, एक वाउचर क्या होता है. इन शॉर्ट व्हाट इज वाउचर, नाउ टेल मी व्हाट इज वाउचर. तो आप मुझे कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. एंड व्हाट इज कैश मेमो, व्हाट इज कैश मेमो, विच कैश मेमो इज यूज फॉर कैश ट्रांजेक्शन. एंड व्हेन वी सेल द गुड्स देन वी इशू कैश मेमो, व्हेन वी परचेज गुड देन वी रिसीव कैश मेमो. मींस ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोज. द नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे हमारे पास, अब कैश मेमो क्लियर हो गया आप सभी को. अगला है रिसिप्ट. रिसिप्ट क्या होती है भाई. अपने हमने ये तो पढ़ लिया कि हम जब सेलर थे हमने कस्टमर गुड्स सोल्ड की तो हमने उसे जो बिल दिया उसे कैश मेमो बोलते हैं. अब रिसिप्ट क्या है. रिसिप्ट व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्ड या रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर ही इश्यू. हाँ जी बेटे, तो नोट कर लिया होगा रिसिप्ट क्या है. व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम अ कस्टमर ही इश्यू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट amount and the name of the customer. The original copy of the receipt is given to the customer and its duplicate copy is kept for making records in the books of accounts. In the same way, whenever we make payment, we obtained a receipt from the party to whom we make payment. देखो अभी जो पिछले पॉइंट में हमने कैश मेमो पढ़ा था बेटे, वहाँ पे हम अगर गुड्स कैश में सोल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी, अगर हम गुड्स कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो बेटे हम कैश मेमो इशू किया करते थे गुड्स. अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिसिप्ट की. देखो अब आपके सामने मैं क्या बेच रहा हूँ बताओ जरा, क्या मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ राघव, मैं क्या कोई बेटे गुड्स बेच रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ सर्विस. अब देखो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने गुड्स नहीं बेची हैं आपको, मैंने आपको सर्विस बेची है. मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने अपनी सर्विस आपको सेल आउट की है. तो जब हम सर्विस बेचते हैं और आप मुझे उसके बदले जो पैसे दोगे ना बेटे, तो मैं आपको जो दूंगा दैट इज नॉट कैश मेमो. ये भी तो नगद ही है बेटे, मैंने आपको पढ़ाया आपसे पैसे लिए, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्विस बेची है, मैंने गुड्स नहीं बेची है. अगर हम सर्विस सेल कर रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया और आप मुझे उसके बदले में पैसे दोगे, तो जब आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको रसीद दूंगा, रिसिप्ट इसे बोलते हैं बेटे. व्हेन वी सेल सर्विस या व्हेन वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर देन वी इशू अ रिसिप्ट. अब आप बेटे मुझे फिर डाउट कर सकते हो, सर ये बताओ एक बार फिर बता दो हमें कैश मेमो कब मिलता है. जब बेटे हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं कैश में, मैं दोनों बातें कैश की कर रहा हूँ बेटे, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कैश तो हमें कैश मेमो रिसीव होगा, अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश में तो हमें कैश मेमो हम इशू करेंगे, अगर मैं सर्विस बेचता हूँ अपने कस्टमर को, बेटे यहाँ पे आई एम व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मैं सर्विस बेच रहा हूँ, तो मैंने आपको सर्विस सेल आउट करी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने कहा लाओ बेटे बच्चों मेरी फीस लाओ, आप मुझे फीस दोगे तो आप भी तो उसके बदले मुझसे कोई ना कोई रसीद मांगोगे ना बेटे. तो जो मैंने आपसे पैसे रिसीव किए उसके बदले मैंने आपको जो इशू किया दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट, उसे बोलते हैं बेटे रिसिप्ट. तो रिसिप्ट क्या है कि जब हम अपने कस्टमर से कोई कैश रिसीव करेंगे तो उसके बदले हम उसको रिसिप्ट देंगे जिसमें डेट होगी, अमाउंट होगा, आपका नाम होता है. किसी बच्चे ने अगर मेरे पास यहाँ पे कैश डिपॉजिट करवाया हो आप में से, तो देखा होगा उसने हम एक रसीद देते हैं बेटे, उस पर लिखा होता है थैंक्स टू, नाम लिखा होता है लाइक भव्या, अमाउंट कितना लिया मैंने उससे लाइक 1000, किस डेट को लिया डेट लिखी होती है और नीचे साइन होते हैं हमारे जो रिसीव करता है. तो रिसिप्ट क्या है, एक एविडेंस है, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, इस बात का सबूत है कि आपने मुझे फीस पे कर दी है, दिस इज द रिसिप्ट. क्लियर पॉइंट बेटे सभी को. रिसिप्ट क्या होती है, व्हेन वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर देन वी इश्यू रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग. भाई कोई डाउट होगा बेटे जरूर बोल देना. डेबिट नोट बेटे, ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. देखो बेटे डेबिट नोट क्या होता है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर. जब बेटे आप किस, देखो अभी आप रिसेंटली कई बच्चों ने जनरल चैप्टर किया है, मुझे एक सिंपल सी बात बताना बेटे, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको इस डेबिट नोट को. भव्या मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा और आप मुझे उसकी जनरल एंट्री बोलेंगे, सब बच्चे सुनेंगे बेटे, सिर्फ मैं एक पॉइंट पढ़ूंगा, मैं एक पॉइंट पढ़ूंगा, भव्या आप मुझे उसकी जनरल एंट्री बताएंगे. बेटे मैंने 10 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जो 100 रुपये की एक बुक थी, मैंने 10 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी परचेज की राम से. परचेज अकाउंटेंसी बुक्स फ्रॉम राम, आई रिपीट, परचेज अकाउंटेंसी बुक्स फ्रॉम राम, 10 बुक्स परचेज किए
ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1000 की 10 बुक परचेज की मैंने राम से, भव्या क्या एंट्री बनेगी इसकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट को, यस परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, राम से मैं परचेज कर रहा हूँ, बुक्स आ रही हैं, गुड बुक्स मेरे लिए गुड्स हैं, आई एम अ बुक सेलर, तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री पास होगी। अब बेटे उसमें से एक बुक ख़राब थी, एक बुक के अंदर देखा बेटे मैंने, एक बुक ख़राब थी, उस एक बुक में पेजेस फटे हुए थे, तो वो बुक मैं जब वापस करूँगा, जब मैं वो बुक राम को वापस करूँगा, तो राम को बुक वापस करते समय बेटे मैं एक लेटर इशू करूँगा उसे, उस लेटर में लिखूँगा भाई राम आपकी एक बुक ख़राब है, मतलब उसका रीज़न लिखूँगा क्यों बुक वापस कर रहा हूँ, उसके पेज फटे हुए हैं या कुछ मिसप्रिंट है, मैं एक नोट बनाऊंगा उसमें लिखूंगा कि भाई राम मैं आपको ये बुक वापस कर रहा हूँ बिकॉज इसके पेजेस ख़राब हैं, इसमें फटा हुआ है या क्लियर नहीं है, तो मैं आपको अपनी बुक में, मैंने आपसे 10 बुक परचेज की थी, आपको याद है बेटे सभी को परचेज के टाइम पे एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, टू राम, राम को मैंने क्रेडिट किया था उस समय जब मैंने गुड्स परचेज की थी, आज मैं राम को एक बुक वापस कर रहा हूँ, तो जब मैं राम को बुक वापस करूंगा बच्चों, तो देखो ऐसे तो है नहीं कि मैंने उसे कहा कि ले पकड़ भाई बुक अपनी रख ले, जब बेटे मैं उसे बुक वापस करूंगा मुझे बताना पड़ेगा कि क्या कमी है बुक में, तो मैं उसकी शॉप पे गया, राम की शॉप पे गया, मैंने वो वन बुक उसको पकड़ाई और साथ में एक लेटर भी दिया कि भाई ये पढ़ ले, इसमें रीज़न लिखा हुआ है कि मैं जो आपको बुक वापस कर रहा हूँ वो क्यों वापस कर रहा हूँ, उसका प्राइस क्या है, कितने में मैंने वो परचेज की थी आपको, और उसमें ये लिखा हुआ कि मैंने आपको ₹100 से डेबिट कर दिया, क्योंकि बेटे एक बुक ₹100 की थी, जब मैंने आपसे 10 बुक परचेज की थी, याद करो बेटे जब मैंने आप लोगों से 10 बुक दिव्या बेटे परचेज की थी, उसकी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 1000 1000, अब मैंने आपको एक बुक वापस कर दी, तो मैं आपको एक नोट के थ्रू ये बताऊंगा कि मैंने आपको अपनी बुक में ₹100 से डेबिट कर दिया है, यानी मैं अब आपको ₹100 कम दूंगा क्योंकि मैंने ₹100 की एक बुक आपको वापस कर दी है, तो जो बुक के साथ हम लेटर देंगे उसे या जो नोट देंगे लिख के, उसे बोलते हैं डेबिट नोट, मींस डेबिट नोट कन्वे करता है, आई रिपीट, डेबिट नोट कन्वे करता है कि हम आपकी गुड्स को वापस कर रहे हैं। और बेटे याद करो सब्सिडरीज बुक्स में आपने परचेज रिटर्न के केस में, याद करो सब्सिडरी बुक जिन्होंने की है, जिन्होंने अभी नहीं की बेटे वो आगे जाके करेंगे, जिन्होंने कर रखी है वो याद करो, सब्सिडरी बुक के अंदर एक टॉपिक था परचेज रिटर्न बुक, और परचेज रिटर्न बुक के सेकेंड कॉलम में हम लिखते थे डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर इन्फॉर्म करता है कि भाई मैंने आपको डेबिट कर दिया अपनी बुक्स के अंदर बिकॉज आपकी जो वन बुक थी वो ख़राब थी, हम आपको वापस कर रहे हैं और हमने आपको डेबिट कर दिया, तो एक मैसेज कन्वे हो रहा है, तो जब आपको डेबिट नोट मिलेगा तो देखो बेटे मैंने आपको गुड्स वापस की है तो मेरे लिए क्या है ये परचेज रिटर्न, मैंने आपको गुड्स वापस की है तो मेरे लिए ये परचेज रिटर्न है, तो बताओ ये आपके लिए क्या है, आप राम है आपके लिए क्या है ये? Yes. मैंने गुड्स आपको वापस की थी, इट इज परचेज रिटर्न फॉर मी, तो मैंने आपको डेबिट नोट इशू किया, और यही बुक बेटे जब आपको मिलेगी तो आप भी मुझे एक नोट इशू करेंगे, तो बताओ आप मुझे कौन सा नोट इशू करेंगे, क्रेडिट नोट, ये आ गया देखो स्क्रीन पर क्रेडिट नोट, व्हेन गुड आर रिसीव बैक फ्रॉम अ कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक, अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट इज रिटेन फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, वो चलो बातें दोनों में सेम है, लेकिन बेटे परचेज रिटर्न के अगेंस्ट इशू होता है डेबिट नोट के अगेंस्ट इशू होगा क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट के अगेंस्ट इशू होगा डेबिट नोट, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं बेटे, अगर मैंने आपको डेबिट नोट दिया तो इसके बदले मुझे आप क्या देंगे क्रेडिट नोट, या ये कह दें बेटे आपने मुझे क्रेडिट नोट दिया तो मैंने क्या दिया आपको डेबिट नोट, इसका मतलब इन शॉर्ट डेबिट नोट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट यूज करते हैं इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, जब मैं आपको गुड्स वापस करूंगा तो गुड्स के साथ मैं भेजूंगा आपको परचेज रिटर्न, और जब गुड्स बेटे आपसे मुझे वापस मिलेंगी तो आप मुझे देंगे अलॉन्ग विद द गुड्स सेल्स रिटर्न। जल्दी से बेटे एक बार आप अपने इन पॉइंट्स को यहां तक रिवाइज कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लो। 118 आप सभी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 118 निकालेंगे, 118 हाँ हाँ बिल्कुल रुपिका बेटे निकाल लिया मुझे पता है आपने, और ये 118 निकाल लो बेटे सारे बच्चों। देखो इसमें बेटे हम वाउचर टॉपिक है, सपोर्टिंग वाउचर आपको मिलेंगे, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा बेटे आपको, ये वाउचर का टॉपिक इसमें है, इसमें देखो आप पेज नंबर 118 निकालो, इसमें कैश में मैंने समझा दिया, इसको टिक कर लो, इनवॉइस को टिक कर लो, रिसिप्ट को टिक कर लो, डेबिट नोट को टिक कर लो, क्रेडिट नोट को टिक कर लो, अब नेक्स्ट करेंगे पे इन स्लिप और चेक, उससे पहले बेटे कोई जल्दी से पढ़ लो, कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, पे इन स्लिप। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पे इन स्लिप। बेटे पे इन स्लिप क्या होता है, देखो आपने देखा होगा बेटे, जब भी अभी कभी अगर हम बैंक जाएं और बैंक में हमें कोई कैश डिपॉजिट करना हो या कैश डिपॉजिट करना हो, जब भी बेटे आप बैंक जाएंगे कभी जाके ज़रूर देखना बेटे, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जाके देखना। आप अगर बैंक जाते हो तो वहाँ पे अगर आपने कैश डिपॉजिट करना है या चेक डिपॉजिट करना है, तो कैश और चेक डिपॉजिट करने से पहले बेटे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें टू साइड्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड को आप फिल करते हो, और दोनों साइड को फिल करके जब आप कैश काउंटर पर जाते हो तो अलॉन्ग विद द कैश, कैश या चेक जो आप जमा करा रहे हो बेटे उसके साथ आप उसको वो फॉर्म को अटैच करना पड़ता है, और फिर आप देते हो कैशियर को कि लो भाई कैशियर ये कैश डिपॉजिट कर लो। तो फिर कैशियर क्या करता है बेटे, कैशियर क्या करता है, उसमें पहले अपने कैश काउंट करता है, सब कुछ ठीक है तो जो आपने फॉर्म भरा है जिसमें दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड थोड़ी बड़ी होती है, लेफ्ट थोड़ी छोटी होती है, ये फॉर्म आप देख सकते हो, ये फॉर्म शायद वर्कबुक में भी होगा और आपको मैं भी दिखाऊंगा आगे। तो इसमें बेटे हाफ को वीडियो कट करता है, हाफ कट करके वो आपको दे देगा एज अ प्रूफ, उस पर वो स्टैंप मारेगा, साइन करेगा, स्टैंप मारेगा, वो आपको दे देगा एज अ प्रूफ। और जो सेकेंड हाफ था, दूसरा जो हाफ है वो अपने पास रखेगा, बैंक अपने पास रखेगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो कहने का मतलब ये था कि पेन स्लिप क्या है, एक फॉर्म है बैंक में जिसे यूज़ करते हैं कैश और चेक डिपॉजिट करने के लिए। ये कहाँ मिलेगा, वेरी गुड क्वेश्चन रुपी का बेटे, कहाँ मिलेगा, ये आपको बैंक में ही मिलता है बेटे। जब आप बैंक जाओगे तो वहाँ पे काउंटर पे पड़े होते हैं, वहाँ से आप एक स्लिप उठाओगे और भरोगे और कैश डिपॉजिट करोगे, उस स्लिप को बोलते हैं पे इन स्लिप। दिस इज़ द फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ईच पे इन स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। इसमें दो साइड्स होती हैं, बैंक का कैशियर दोनों को स्टैम्प करता है, दोनों को साइन करता है, और एक पार्ट आपको देगा एज अ प्रूफ। ये होती है बेटे पे इन स्लिप। इनके शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसलिए बेटे मैं टॉपिक ये करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगला आता है चेक। बेटे चेक क्या होता है, चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। देखो अगर मुझे आपने फीस पे करनी है तो आप मुझे कैश दे सकते हो या मुझे आप मेरे नाम से चेक दे सकते हो। तो चेक का मतलब भी ये होता है कि आप मुझे इतना पैसा देने का कमिटमेंट दे रहे हो। चेक इज अ अनकंडीशनल एक ऑर्डर है जिस पे आपने नाम लिख दिया, एक इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट करने का। आई रिपीट, चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेरर। ये बेरर कौन है बेटे, मैं हूँ। अगर मुझे आपने फीस पे करनी है तो आई एम अ बेरर। आप उस चेक के ऊपर मेरा नाम लिखोगे और मुझे वो चेक अपने साइन करके मुझे चेक दे दोगे बेटे। अब मैं आपके बैंक जाऊंगा और आपके बैंक से मैं पैसे ले लूँगा, वो मुझे पैसे देगा क्योंकि आपने उस चेक पे साइन किए हुए हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है। तो चेक इज अ मोड ऑफ पेमेंट। अ चेक इज एन ऑर्डर इन विच इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। जिसके पास वो चेक होगा या जिसका उस चेक पे नाम लिखा हुआ है, जिस पे दोनों का नाम लिखा हुआ है, जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उस बंदे को, या जिसके पास वो चेक है। दोनों केसेस में हो सकता है बेटे, आपने चेक पे नाम नहीं लिखा तो जिसके पास चेक हो उसे पैसे मिल जाएंगे, और अगर आपने चेक पे नाम लिख दिया है तो जिसका नाम लिखा है उसे पैसे मिल जाएंगे। क्लियर पॉइंट। कहते हैं द काउंटरफॉइल रिमेन विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और बेटे इसको वो रखते हैं बैंक, हमें पेमेंट तो कर देंगे और उस चेक को वो अपने पास रख लेंगे फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। तो चेक एक तरह से मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक मोड है पेमेंट करने का। आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, आप चेक से पेमेंट कर सकते हो, और हमने पढ़ा भी है जर्नल में, देखा होगा आपने पेड सैलरी बाय चेक, रिसीव कमीशन बाय चेक, हम चेक से पेमेंट करते भी हैं और पेमेंट रिसीव भी करते हैं। तो चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। नेक्स्ट, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स पे। जो बेटे पीछे पढ़ाए थे आपको, ये सभी जो यहाँ तक पढ़ाए ना हमने, चेक तक जो पढ़ाया, ये सोर्स डॉक्यूमेंट था भाई। सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बार आप नज़र मार लो, कोई डाउट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो अब नेक्स्ट शुरू होता है बेटे, वाउचर। टाइप्स ऑफ वाउचर्स आते हैं। अब टाइप्स ऑफ वाउचर को हम डिवाइड करेंगे। पहले मैं बता दूँ आपको, वाउचर मे बी क्लासीफाइड इन टू टू पार्ट्स, सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर। जो हमने अभी पढ़े हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ना बेटे, वो सभी सोर्स वाउचर थे, सोर्स डॉक्यूमेंट थे या सपोर्टिंग वाउचर थे। और नंबर टू पे आता है अकाउंटिंग वाउचर्स।
बेटे जो अकाउंटिंग वाउचर बनते हैं ना, वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर, जो आपको कैश मीमो, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल, पेन स्लिप, चेक, जो ये सभी जो थे ना, ये सब एग्जाम्पल थे सोर्स डॉक्यूमेंट के। इन सब की हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर्स, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर में। सबसे पहला मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको, एक बार फिर बता देता हूँ, सोर्स वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर आर डॉक्यूमेंट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर इनटू। जब कोई लेन देन होगा बेटे, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल ऑफ दिस आर इशू फॉर कैश मीमो, कैश से ही हम पहले पढ़ चुके हैं सारी बातें, ये वही बातें हैं बेटे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं। इट इज़ इन रिटन डॉक्यूमेंट, इट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी आपने पढ़े कैश मीमो, बिल, रिसिप्ट, वो सब बेटे सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल थे। उनकी फीचर क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस, ये एक सबूत भी है। इट इज़ जनरली फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शन केस में कंपल्सरी भी है और वहीं पर अराइज होता है। इट इज़ साइंड बाय द मेकर, इसे जो भी हमें देगा वो साइन करके देगा, बिना साइन के बेटे अगर आपको कुछ दे रहा है वो रिसिप्ट या कैश में, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग वाउचर, ये हम पढ़ चुके हैं बेटे पीछे, मैंने एग्जांपल भी पढ़ा दिया आपको इसके, ये हम इस पे नहीं चलेंगे, आगे जाएंगे। हाँ देखो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटे पेन स्लिप, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आगे जाके आपको आएगी, ये है पेन स्लिप का फॉर्मेट। आप देखो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक की मैंने स्लिप को स्कैन करके लगाया हुआ है आपके लिए। इसमें लेफ्ट साइड एक पार्ट है, एक राइट साइड पार्ट है, बीच में कट करने के लिए देखो स्पेस दी हुई है। तो ये है पेन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं बेटे इसको। इसे हम खुद फिल करते हैं और फिल करने के बाद हम ये बैंक को देंगे और बैंक इसको दोनों साइड से स्टैम्प करेगा, साइन करेगा और हमें एक पार्ट वापस कर देगा। ये एग्जाम्पल है बेटे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वाउचर में दो तरह के वाउचर आप डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। पहला है बेटे देखो अकाउंटिंग वाउचर, दीज आर सेकेंडरी वाउचर्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर बाय एन अकाउंटेंट एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथोराइज पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग वाउचर्स, दीज आर सेकेंडरी वाउचर। देखो सेकेंडरी वाउचर क्यों कहा गया, यहाँ पे एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे रूपी का। इस सेकेंडरी वर्ड क्यों, मैम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं वाई वी कॉल्ड सेकेंडरी वाउचर इन केस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, बिकॉज बेटे अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। तो सपोर्टिंग वाउचर पहले आते हैं बेटे, अकाउंटिंग बाद में आते हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग को नाम दिया गया सेकेंडरी वाउचर। आई थिंक समझ आ रहा होगा बेटे आपको। अकाउंटिंग वाउचर, दीज आर सेकेंडरी वाउचर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर बाय एन अकाउंटेंट। बेटे इनको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और वो प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग वाउचर, और इन वाउचर को, किनको, अकाउंटिंग वाउचर को साइन करता है एक ऑथोराइज्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो कोई और एक्सपीरियंस हो सकता है, वो डायरेक्टर हो सकता है, वो मेन कैशियर हो सकता है, तो वो उसे साइन करता है। हम अकाउंटिंग वाउचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज कैश वाउचर एंड अदर इज नॉन कैश वाउचर। आगे बढ़ते हैं बेटे, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उन पे आते हैं आगे। तो इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है ये। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसे हम ये प्रिपेयर करते हैं, कहते हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन का आपके पास एविडेंस होगा, सबूत होगा, उसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करते हैं। और बेटे ट्रांजैक्शन का सबूत क्या होगा, सपोर्टिंग वाउचर होगा। अभी तो पढ़ा है पीछे हमने सपोर्टिंग वाउचर। मान लेते हैं बेटे आपने मुझसे आप पढ़े और मेरे पास आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको रसीद दी, तो रसीद की ओरिजिनल कॉपी तो आपके पास थी, रिसिप्ट की डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास थी, तो डुप्लीकेट कॉपी जो मेरे पास थी दैट इज सपोर्टिंग वाउचर। अब उस सपोर्टिंग वाउचर की हेल्प से मैं अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करूँगा। नेक्स्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट एंड काउंटर साइंड बाय एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। इसको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और एक ऑथराइज जो कंपनी अपॉइंट करती है, चाहे वो डायरेक्टर हो सकता है या मैंने पीछे बताया, वो उसे काउंटर साइन करता है, दोबारा साइन करता है, उसको वेरीफाई कर। इन केस ऑफ कैश एंड बैंक वाउचर इट इज़ अ रिसिप्ट, ये उस केस में रिसिप्ट बन जाता है। अकाउंटिंग वाउचर मे बी क्लासीफाई इन टू टू पार्ट्स, द वन इज कैश वाउचर। कैश वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स।
देखो बेटे, हम अपने अकाउंटिंग वाउचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज कैश वाउचर्स एंड अदर इज नॉन कैश वाउचर। ऑब्वियसली बात है बेटे, कैश वाउचर यूज होगा कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए और नॉन कैश वाउचर यूज होगा बेटे नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए। तो आई रिपीट, कैश वाउचर क्यों बनता है? कैश वाउचर बनता है बेटे कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए और ये बनता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग वाउचर, विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग वाउचर बनता है। तो और इसमें दो चीज़ें आएंगे, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ये आगे जाके पढ़ेंगे। नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं, जो बनते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बनते हैं। नेक्स्ट अगला है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर में, मैंने बताया पहले क्रेडिट वाउचर। बेटे क्रेडिट दो वाउचर थे, डेबिट वाउचर और एक है क्रेडिट वाउचर। तो पहले हम क्रेडिट पढ़ लेते हैं। क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। आई रिपीट बेटे, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं जब हमें कैश मिलेगा तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, अगर हम कैश दे रहे हैं किसी को तो डेबिट वाउचर बनेगा। मींस क्रेडिट वाउचर का मतलब है, देखो बेटे कोई एंट्री आप पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, मैंने एक एग्जांपल दिया हम राम से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम। देखो राम क्रेडिट हुआ है ना बेटे, यहाँ पे राम क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। जब आप पेमेंट रिसीव करते हो ना बेटे, तो पेमेंट जब भी आप रिसीव करते हो चाहे कैश से चाहे चेक से, तो याद करो उसकी एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम उसे क्रेडिट करते, टू राम टू श्याम टू मोहन, हमने उसे क्रेडिट किया है ना बेटे, तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। आपके मैम पूछ सकते हैं व्हेन वी प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर, तो आप आंसर देंगे व्हेन वी रिसीव्ड कैश, व्हेन वी रिसीव्ड कैश देन वी प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर। फिर मैम पूछेंगे बेटे कुछ एग्जांपल बताओ इसके, तो आप बताएंगे सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन सब में आप कैश रिसीव कर रहे हो तो इन सब में कौन सा वाउचर बनाओगे, कैश वाउचर। कौन सा कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर। दूसरा ये इसका एग्जांपल है बेटे, ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे बेटे वाउचर बनता है। आपको वाउचर अभी प्रिपेयर नहीं करने, वो प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे बाद में, ये इसका फॉर्मेट है। फिर आता है डेबिट वाउचर। भाई डेबिट वाउचर क्या होता है, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर कैश पेमेंट्स। जैसे बेटे क्रेडिट वाउचर क्यों बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर बनाते हैं बेटे कैश रिसिप्ट के लिए, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैश पेमेंट्स देन वी प्रिपेयर डेबिट वाउचर। इसका पर्पस क्या है, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कैश पेमेंट्स। बेटे इसका पर्पस ये, और ये कब बनता है, अब आपके मैम पूछेंगे बताओ बताओ रुपिका बेटे कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ व्हेन जब हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो रुपिका बेटे आप कोई भी ऐसा एग्जांपल बता देना मैम को जिसमें आपके पास से कैश या चेक जा रहा है, कोई भी एग्जांपल जिसमें आपके पास से कैश या चेक जा रहा है। तो ऐसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सीधे आपका स्क्रीन देख लेंगे, कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, लोन गिवन, रीपेमेंट ऑफ लोन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो ये सारी पेमेंट्स हैं, पेमेंट के केस में बनेगा डेबिट वाउचर, अगर हमारे पास कैश आ रहा है देन वी प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर, अगर हम कैश पे कर रहे हैं किसी को देन वी प्रिपेयर डेबिट वाउचर। ये है कैश ट्रांजैक्शन के केस में। देखो बेटा शुरू में बताया कि वाउचर इज क्लासिफाइड टू टू पार्ट्स, द वन इज कैश वाउचर, और कैश वाउचर के दो पार्ट थे, या तो पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे, सिंपल सी बात है बेटे। कैश ट्रांजैक्शन को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे बच्चों, या तो कैश आएगा आपके पास या कैश जाएगा, और तो कोई एग्जांपल है ही नहीं। लो भाई मुझे आर्यमन कह रहा है सर कैश गायब हो जाएगा, अरे भाई उसको जाना ही बोलते हैं बेटे, कैश प्रकट हो गया मतलब कैश आ रहा है बेटे। दो ही बातें होंगी बेटे कैश ट्रांजैक्शन में, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। अगर हमारे पास बिजनेस में कैश आ रहा है बेटे देन वी प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर, अगर हमारे पास कैश जा रहा है देन वी प्रिपेयर जा रहा है डेबिट वाउचर। अब बात कर लेते हैं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन के केस में बेटे हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। भाई ये नॉन कैश, देखो बेटे बिजनेस में दो ही तरह की ट्रांजेक्शन होती है, या तो कैश ट्रांजेक्शन होंगी या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी। हर बिजनेस में दो ही तरह की ट्रांजेक्शन होती है बेटे, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दो ही ट्रांजेक्शन होती है बेटे।
कैश का मैंने बता दिया डिटेल में आपको, अब आती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बेटे हम बनाते हैं ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर रेफर टू वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटे। कैश नॉन कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रेक्टिफिकेशन, कोई मिस्टेक एंट्री है, रेक्टिफाई एंट्री है उसके केस में, उन केस में बेटे हम प्रिपेयर करते हैं। इसके एग्जाम्पल बेटे मैम आपसे पूछेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए और डिटेल में देखो नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, यानी जिस एंट्री में बेटे कैश नहीं आ रहा। हेलो, देखो आप सब ने जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज पढ़ी हैं बेटे। देखो बेटे जर्नल में आपने बहुत सारी एंट्री की हैं, अगर हम किसी एंट्री में कैश को डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, अगर हमने कैश को क्रेडिट किया है सॉरी अगर हमने कैश को डेबिट किया है तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, अगर हमने कैश को क्रेडिट किया है तो डेबिट वाउचर बनेगा, उसका अगेंस्ट डेबिट वाउचर बनेगा। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में ना तो कैश डेबिट हुआ है ना कैश क्रेडिट हुआ है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, याद करो बेटे इसकी एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। देखो बेटे इसमें कोई कैश डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, तो यह कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर। कहने का मतलब ये था कि अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है इसका मतलब कैश आ रहा है तो हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, अगर किसी एंट्री में आपने कैश को या बैंक को क्रेडिट किया है इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डेबिट वाउचर बनाएंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन में बेटे आपने कैश को ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है तो वहाँ पे आप नॉन कैश वाउचर बनाएंगे यानी कि ट्रांसफ़र वाउचर बनाएंगे। तो ये बेटे यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, यहाँ तक मेरा टॉपिक वाउचर ख़त्म होता है बेटे।